एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों का माहौल है और इन्हीं शादियों के माहौल के बीच सीजन के बीच रोडीज फेम रघुराम ने भी कर ली है शादी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जो फोटोज अभी आप देख रहे हैं ये है रघुराम की, इन्होंने भी शादी रचा ली है। मनोरंजन जगत में इन दिनों कई सारे कपल शादियों के बंधन में बंध रहे हैं और इसी कड़ी में अब रोडीज फेम रघुराम का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, रघुराम जो लोगों के बीच रोडीज की वजह से काफी फेमस हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी गर्लफ्रेंड नताली डी लूसियो के साथ सगाई की थी, जिसके बारे में जानकर सभी हैरान रह गए थे। असल में रघुराम ने इसी साल अपनी पहली बीवी के साथ तलाक लिया था, जिसके बाद किसी और को भरोसा नहीं हुआ था कि रघु ने इतनी जल्दी दूसरी शादी करने का फैसला लिया। ये तस्वीरें रघुराम की शादी की है। सगाई के बाद रघुराम ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी थी कि वो नताली के साथ इस साल दिसंबर महीने में शादी रचाएंगे। वैसे रघुराम चाहते थे कि उनकी शादी एक पर्सनल अफेयर रहे, जहां केवल उनके खास रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हो। टीवी की दुनिया के जाने माने होस्ट रणविजय ने कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रघु और नताली की शादी की तस्वीर शेयर करके इस बात की पक्की मुहर लगा दी है कि दोनों आज ही शादी के बंधन में बंध गए हैं। ये सभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है रघुराम की शादी की। जी हाँ, रघुराम और नताली साउथ इंडियन दुल्हा दुल्हन के रूप में नजर आ रहे हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ने दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से शादी की है। तस्वीर में रघुराम और नताली काफी खुश दिख रहे हैं और इनकी खुशी में इनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल हैं। कई सारी तस्वीरें सामने आई है, ये सारी तस्वीरें इनकी वेडिंग की है और जैसा कि हमने आपको बताया साउथ इंडियन लिबास में दोनों नजर आ रहे हैं। इसी साल रघुराम ने अपनी पहली बीवी से तलाक लिया था और अब इन्होंने कर ली है दूसरी शादी। रघुराम ने अगस्त महीने में नताली से टोरंटो में सगाई की थी। रघु और नताली की शादी गोन स्टाइल में गोवा बीच पर हुई है। इस शादी की तस्वीरें बड़ी कमाल की हैं। वैसे उनकी पहली शादी की बात की जाए तो वो सुगंधा गर्ग से हुई थी, जो कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। सुगंधा और रघु की शादी पूरे 12 साल चली। 2006 में शादी करने वाले इस कपल ने इसी साल जनवरी में तलाक का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया था। अपने तलाक की घोषणा करते हुए रघुराम ने लिखा था कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार, वो मस्ती भरे पल जो हमने साथ बिताए। कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ बदलाव आएंगे और जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तो अब रघुराम ने जिंदगी की नई शुरुआत भी कर ली है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल इन दोनों को हमारी ओर से शादी की ढेरों ढेरों बधाइयां। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।